नमस्कार, पेप्टी टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। कैलाश विजयवर्गीय ने लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए इंदौर में एक कार्यक्रम रखा। कार्यक्रम में उन्होंने यह कहकर सबको चौंका दिया कि लता मंगेशकर जी इंदौर से नाराज थी। आप देखिए, इंदौर के पूर्व महापौर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कल लाभ मंडपम में लता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित कार्यक्रम में यह कहकर सबको चौंका दिया कि लता जी इंदौर से नाराज थी। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मेरी बड़ी इच्छा थी कि लता जी इंदौर आए, यह मेरा दुर्भाग्य है और मुझे हमेशा जिंदगी में इस बात का अफसोस रहेगा कि विश्व स्तर की गायिका जिनका जन्म इंदौर में हुआ था, पता नहीं क्यों इंदौर आने से बहुत नाराज थी। इंदौर आने पर वह हमेशा टालती रही। कैलाश विजयवर्गीय ने आगे कहा, मुझे भैयू महाराज ने भी कहा था कि मैं लता जी को इंदौर लेकर आऊंगा, लेकिन भैयू महाराज का भी देहांत हो गया, उसके बाद लता जी भी चली गई। हम इंदौर वाले लता जी के दर्शन को तरसते ही रह गए। मुझे एक बात का बड़ा अफसोस है, मेरी बड़ी इच्छा थी कि लता जी इंदौर आए, मैं गया भी नहीं था जब, पर दुर्भाग्य से मुझे जिंदगी में इस बात का अफसोस रहेगा कि जिस सरस्वती की, जिस कोकिला कंठ की, जो विश्व स्तरीय गायक की, जिनका जन्म इंदौर में हुआ, पता नहीं क्यों इंदौर आने से बहुत नाराज, मतलब हमेशा टालती ही रही। मुझे भैया महाराज जी ने कहा कि मैं लेकर आऊँगा, पर भैया महाराज भी चले गए, उस पर लता जी भी उनके पास चले गए और हम इंदौर वाले तरसते रह गए उनके दर्शन करने को। वहीं लता मंगेशकर जी की नारायण बाग में रहने वाली रिश्तेदार कविता प्रकट ने भी इस बात को दोहराया कि लता जी इंदौर से नाराज थी, इसीलिए फिर वह 1983 के बाद इंदौर में कोई कार्यक्रम देने नहीं आई। अलग अलग बातें सामने आती है, जो रियल बातें जैसे मोहल्ले में हुई थी, उनका जन्म, और फिर सिख मोहल्ले में जन्म होने के बाद फिर कुछ दिनों बाद फिर वो लोग सांगली चले गए थे, सांगली बाद फिर वापस आए थे छावनी में, एक मकान था वहाँ पे, मेरी मदर भी उनके साथ ही पूरे जीवन जुड़ा हुआ था, बचपन से सभी लोग वहीं रहे हुए जुड़े हुए थे, इतना जुड़े हुए थे कि मतलब कि कुछ बता नहीं सकते। एक फैमिली, एक जो एक माला के मोती रहते उस तरह। हम लोग उनका गुजरा होगा इंदौर में, उनका थोड़ा सा बचपन गुजरा, उसके बाद फिर सांगली चले गए थे, फिर वापस छावनी आए थे, फिर चले गए थे। उनकी जो मौसी थी, रियल मौसी, वो प्रेमनगर में रहती थी और तभी वो हमेशा नीत आया करती सन 80 के पहले पहले पहले। उस वक्त ऐसा माहौल था बिल्कुल इंदौर का, बहुत शांत और व्यवस्थित माहौल था, लोग सभ्यता जानते थे। अभी तो सारे इंदौर के लोग मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इतना उन्हें जंगलीपना करा था कि उन्हें आना ही छोड़ दिया। क्या घटना हुई थी वो जो जिससे नाराज हो गई थी? नाराज यही हुई थी लोगों के, मतलब पत्थरबाजी ये करना जब यहाँ पे। आखिर क्या थी वह घटना जिससे लता जी इंदौर से नाराज हो गई थी, यह अभी भी इंदौर वासियों के लिए रहस्य बना हुआ है।